हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आपको इमोजी नेम आईडी बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ बिना कोई प्रॉब्लम के, क्योंकि बहुत से लोग इमोजी नेम आईडी बना भी लेते हैं लेकिन उनको नाम चेंज ऑर्डर नहीं मिलता है। तो मेरी इस ट्रिक से आप अगर इमोजी नेम आईडी बनाओगे तो 110% आपको नाम चेंज ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन कर दिया जो अपडेट नेम से वापस आ चुकी है। तो आपको डॉल मल्टी ब्राउजर या ट्रिक ब्राउजर में से किसी का भी यूज़ कर लेना है। तो मैं तो यहाँ पे फिलहाल ट्रिक ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, आपको इतना काम तो कर लेना है जो तो हर बंदा ही जानता है। तो आपको जैसे ये दोनों बॉक्स में सेम इंटरफेस ओपन हो जाए, तो इतना तो हर बंदा जानता है क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वीडियो देख रखी है आप लोगों ने। तो ये कैसे करना सबको पता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों बॉक्स में चूज फाइल में वो स्क्रीनशॉट डाल देना है जो अपने आईडी का अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। तो मैं यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट डाल लेता हूँ गाइस, जो मैंने आईडी का अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। तो दोनों बॉक्स में मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। उसके बाद फर्स्ट बॉक्स में आपको फर्स्ट नेम में वो इमोजी लगा देनी है जिसको आपको एक्सेप्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे तीन इमोजी यहाँ पे लगा रहा हूँ जो मेरे को एक्सेप्ट करवानी है इस वीडियो में। और इमोजी लगाने के बाद फर्स्ट नेम में, उसके बाद आपको लास्ट बॉक्स में आ जाना है। लास्ट बॉक्स में आने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला जो सैम्बल है इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। आप इसकी जगह अपने कोई भी नाम लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यार आप यही नाम एक्सेप्ट करवाओगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करवा सकते हो, यहाँ पे नाम लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसको कॉपी करने के बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पे लास्ट बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इतना काम करोगे, उसके बाद हमारी आईडी का पहला फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। दूसरे फॉर्म में फर्स्ट नेम में आपको वो निकनेम डाल देना है जो अपने आईडी का अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो निकनेम डाला था। तो गाइस, मैंने यहाँ पे ये जो निकनेम डाल दिया है जो मैंने डाला था आईडी का अपडेट पे भेजते टाइम। उसके बाद लास्ट बॉक्स में आपको कोई भी दो कैपिटल बट लगा देने, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया XD। इतना करने के बाद गाइस हमें यहाँ पे करना होता है सबमिट। सबमिट कैसे करना है, जो सिंबल वाला बॉक्स है उसको फर्स्ट टैप में और जो निकनेम वाला है उसको सेकंड टैप में। तो मैंने यहाँ पे कर दिया अपने सिंबल को सबमिट। और गाइस यहाँ पे बस कुछ ही सेकंड लेता है। तो आप देख सकते हो मेरी आईडी का जो सिंबल है वो यहाँ पे फेसबुक टीम को सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या, तो सिंपली से आपको अपनी आईडी को लॉकआउट कर देना है। और आईडी लॉकआउट करने के बाद, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी आईडी को लॉकआउट कर लेता हूँ। और आईडी लॉकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है कुछ देर का वेट। तो जैसी मेरी आईडी का सैंपल एक्सेप्ट होता है मैं वीडियो लेके आ जाऊँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैंपल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी आईडी को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी आईडी का जो ओपन किया, तो आपको एंटर पासवर्ड दे देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर पासवर्ड दे दोगे इस आईडी का जो पासवर्ड है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी आईडी का जो पासवर्ड रहता है वो दे देता हूँ। और पासवर्ड देने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, कन्फर्म योर आइडेंटिटी। आपको ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैम्बल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। और कितना प्यारा लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे मेरी आईडी की जो इमोजी है वो भी यहाँ पे नीचे की साइड शो हो रही है, आप देख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट नेम कर देना है। जैसे ही आप अपडेट नेम करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे गो टू न्यू फीड पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो मेरी आईडी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। उसके बाद मैं अपनी आईडी की जो प्रोफाइल है आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी आईडी का सैंपल सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। इतना करने के बाद आप देख सकते हो मेरी आईडी का जो निकनेम है वो भी चेकआउट कर सकते हो, तो बिना कोई प्रॉब्लम के। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी आईडी का जो निकनेम है उसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं जो निकनेम है उसको क्लियर कर लेता, डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी आईडी का जो निकनेम है उसको डिलीट कर दिया। इतना करने के बाद गाइस आप देख सकते हो मेरी आईडी का सिंबल रह गया है यहाँ पे। उसके बाद आपको हार्ट नेम इमोजी कैसे शो कर, उसके बाद आपको इमोजी कैसे शो करनी है, तो आपको सिंपली से पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आके नाम वाले आइकन पे क्लिक कर देना और यहाँ से नाम चेंज ऑर्डर कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नाम चेंज ऑर्डर पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये दो इंटरफेस आ जाएंगे। तो आपको नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे वाले को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी आईडी का जो पासवर्ड है पासवर्ड को दे देना और सिंपली सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इतना काम करोगे, उसके बाद जो हमारी हार्ट जो हमारी इमोजी है वो यहाँ पे शो हो चुकी है हमारी आईडी पे। तो गाइस इसी तरीके से आपको कर लेना, आपको भी नाम चेंज ऑर्डर मिल जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया आपको भी सेम इसी तरीके से कर लेना, आपको भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप देख सकते हो मेरी आईडी की जो इमोजी है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी आईडी का लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपली मैं ऑफिशियल फेसबुक में आ जाता हूँ। तो ऑफिशियल फेसबुक में आने के बाद गाइस मैं जो मेरी आईडी की जो इमोजी शो हो रही है तो वो किस टाइप की हो रही है गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईडी का जो लिंक को कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर लिया है।
तो इतना करने के बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी की जो इमोजी है वो यहाँ पे बहुत इजीली शो हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप भी बहुत इजीली ट्रिक में अपना यूनिक नेम अकाउंट बना सकते हो, इमोजी नेम अकाउंट बना सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी का पासवर्ड शो कर दूंगा, जो भी बंदा फुल वीडियो देखेगा ये आईडी उसकी हो जाएगी।